गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमने रिग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिग्रेशन इक्वेशन। अब रिग्रेशन इक्वेशन में क्या है, अगर हमने रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई निकाली हो, यानी कि एक्स हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर लिखा हो एक्स ऑन वाई, एक्स हमारा इसका मतलब क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि वाई के चेंज होने से एक्स पे फ़र्क पड़ता है, एक्स इफेक्ट करता है जब वाई हमारा चेंज होगा, ठीक है। तो हमारी एक्स ऑन वाई की क्या होगी रिग्रेशन इक्वेशन, एक्स ऑन वाई गिव द बेस्ट पॉसिबल मीन वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ वाई, यानी कि इसमें क्या है, एक्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये अननोन है, हमने इसको निकालना है, वाई क्या है, वाई नॉन वैल्यूज है, इसकी हमें वैल्यूज पता है। सो अगर हम बात करें तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, ठीक है, ये देखिएगा, और यहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, ए और बी कांस्टेंट रहेंगे, ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। बाय अप्लाइंग द मेथड ऑफ ली स्क्वेयर, अगर हम ली स्क्वेयर मेथड यूज़ करें तो हमारे पास टू नॉर्मल इक्वेशंस आती हैं ए और बी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ए और बी जो है वो कांस्टेंट्स हैं, नॉट कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो अगर हम एक्स की बात करें, समेशन ऑफ एक्स हमने निकालना हो तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एन ए प्लस बी समेशन ऑफ वाई, ठीक है। इसी तरह एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स वाई की अगर हमने समेशन निकालनी है, ए इंटू समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस बी इंटू समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स का मतलब क्या हुआ, इस केस में वाई डिपेंडेंट है, वाई की वैल्यूज हमने निकालनी है, और एक्स इंडिपेंडेंट है, एक्स की वैल्यूज हमें नॉन है, ठीक है, यानी कि एक्स के चेंज होने से वाई पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे जो ए और बी है वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी कॉन्स्टेंट वी यूज, जब हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी तो हम कैसे निकालेंगे, ये लगेगा यहाँ पे, समेशन ऑफ वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी इंटू समेशन ऑफ एक्स, समेशन का मतलब क्या है, टोटल उसका। नेक्स्ट क्या है, हमने समेशन ऑफ एक्स वाई निकालना तो कैसे निकालेंगे, ए इंटू समेशन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसकी प्रॉपर्टीज जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कई बार पूछी जाती है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, द साइन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी सेम, यानी कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के साइन है वो सेम होने चाहिए, अगर प्लस है तो प्लस आना चाहिए, माइनस है तो माइनस आना चाहिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट कैन नॉट बी मोर देन वन, ये वन से ज़्यादा नहीं हो सकती वैल्यूज रिग्रेशन कोफिशिएंट की, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट गिव द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एज फॉलो, यहाँ पे क्या है, ये आर क्या है, रिग्रेशन और कोरिलेशन के बीच में अगर हमने रिलेशन फाइंड करना हो तो हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ये क्या है, बी वाई और बी एक्स, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स जो है इनको मल्टीप्लाई करके इनका हमने लेना है अंडर रूट, यानी कि ये हमारा क्या हुआ, जो मैट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो मैट्रिक मीन में क्या आता है, अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पे क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट करेंगे तो ये कोरिलेशन आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से इनका रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहाँ पे द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल हैव द सेम साइन एज दैट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी कि अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट का पॉजिटिव साइन है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का भी पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है, यानी कि दोनों के सेम साइन होंगे,
डेट इज़ इफ़ रिग्रेशन कोफिशियंट आर नेगेटिव द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑल्सो नेगेटिव। अगर रिग्रेशन का कोफिशियंट नेगेटिव है तो कोरिलेशन का कोफिशियंट भी नेगेटिव ही होगा, याद रखना इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है, रिग्रेशन कोफिशियंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। ये हम चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब आपको बस इसमें ये याद रखना है, रिग्रेशन कोफिशियंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि ओरिजिन के चेंज होने से वो चेंज नहीं होते, बट स्केल के चेंज होने से वो चेंज होते हैं। चलो देख लेते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है। जब उन्होंने बोला ओरिजिन में चेंज हुआ, यानी कि ओरिजिन चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या क्या आता है, प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगी। अगर बोला चेंज ऑफ स्केल, स्केल में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये दो साइन आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, रिग्रेशन कोफिशियंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो रिग्रेशन कोफिशियंट है वो प्लस और माइनस वैल्यूज़ में होने में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे कोई चीज़ प्लस कर दे या माइनस कर दे तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा रिग्रेशन कोफिशियंट पे, बट किसी वैल्यू के साथ कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड करे तो उसका इम्पैक्ट रिग्रेशन कोफिशियंट पे पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशियंट और इसकी इक्वेशंस रिग्रेशन कोफिशियंट की, ठीक है। एक बार आप इसे रीड करके देख लेना, अगर कोई डाउट हो देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो थैंक यू क्लास।